करेली का मीठा सब्जी स्वादिष्ट है और आसान तरीका से बन जाता है। इसे रोटी और पराठा के साथ खा सकते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं करेली की मीठी सब्जी बनाने की विधि बताऊंगी। करेली जिसे हमने फ्रेश से धोकर बारीक काट लिया है, एक बारीक कटा हुआ प्याज, दो बारीक कटा हुआ टमाटर, आठ लहसुन की कली बारीक कटा हुआ, किशमिश दो चम्मच, एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटा चम्मच जीरा पाउडर, एक छोटा चम्मच गोलकी पाउडर, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, दो छोटा चम्मच धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, एक चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक, चार चम्मच चीनी। गरम हो गया है, दो चम्मच तेल ऐड करेंगे। तेल गरम हो गया है, करेली को फ्राई करेंगे। करेली में आधा चम्मच जीरा ऐड करेंगे। आधा चम्मच पचफोरन, आधा चम्मच सरसों। करेली को 5 मिनट फ्राई करने के बाद सरसों, पचफोरन और जीरा डालेंगे। पचफोरन डालने के बाद फिर 5 मिनट तक करेली को फ्राई करेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, अब इसको अदरक डालेंगे, लहसुन, प्याज, प्याज और करेली को अच्छा से फ्राई करेंगे। करेली के साथ प्याज प्याज भी अच्छा से फ्राई हो गया है। अब इस पर हम टमाटर बारीक कटा हुआ ऐड करेंगे। टमाटर के साथ करेली को 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। करेली के साथ टमाटर 2 मिनट तक फ्राई हो गया है। अब सारे मसाले को मिक्स करेंगे। सारे मसाले मिक्स हो गए हैं, अब मसाले को डालेंगे। करेली मसाला के साथ फ्राई हो गया है। अब इस पर 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। एक गिलास पानी और ऐड करेंगे। अब एक थाली से कढ़ाई को ढक देंगे। करेली को सूखने तक पकाएंगे। अब इस पर चीनी डालेंगे। किशमिश, अब 1 चम्मच
घी डालेंगे। करेली का मीठा सब्जी रेडी हो गया है। अब गैस को ऑफ करेंगे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।